जमीन के पट्टा का अगर अप्लाई करो तो नहीं, अप्लाई करके रिसिप्ट भी अगर मोटी ना है नहीं, तो एक तो चीज छोटे से एग्जांपल देख चाहूँ कि हम इधर नगरकटा में भगतपुर चाय बगान का एक तो झमेला अलग सबको सोशल मीडिया में देख रही है, चाय बगान लगाते रहे जाके जगह जगह खेत में लगा रहे उखड़ा के फेंक दिलाए। बाद में जब मीटिंग होलग बी डी ऑफिस में सेगर मैनेजमेंट से बात होलग तो मुहे कहा कि सर जे जमीन के लिए तो लीज ले कंपनी लीज ले है वो जो लीज ले है कितना लीज ले है और जब लीज ले ही तो प्लांटेशन करने के लिए लीज ले ही और जे जगह के आइस तो एक प्लांटेशन लगाती से के आइस तक काले प्लांटेशन नहीं कर ले। आई जे कोई आदिवासी हुआ जोत के कमाए के खाते है से जगह तो आज के जोते काले गले आज अगर हुआ उकर खून पसीना से मेहनत से खेत के जोत के मेहनत करके उनके खाते तो आज वहाँ प्लांटेशन लगा पे ऑब्जेक्शन काले नहीं करी और तो अगर लीज ले ही तो कौन अधिकार से कहोती इसको जमीन तोड़ के तो लीज ले मालिक तो ना लगी कहो मैनेजर चुपचाप हो गया तो मालिक ना लगी तो लीज होल्डर रखी और तो भी मैं गवर्नमेंट के मांगो तो देवी नहीं देवी बात की बात है लेकिन मालिक तो ना लगी तो वहाँ चाय बगान नहीं लगा पे और संगे संगे उस दिन एक तो चीज होलग ऑर्डर कर लग वीडियो कि आज से तो वो खेत में जाके प्लांटेशन नहीं कर पे। तो आज कहीं ना कहीं अगर हमें लड़े जानो तरीका अगर मालूम है तो हमें जीते सको कल के चाय बगान कर जमीन हमारे पूर्वज जन बना रहा है आज गवर्नमेंट कानून बनाकर बाद में लीज दे है आज मालिक नहीं बना है तो मालिक नहीं बना है लेकिन उनका मालिक बनाकर एखन जे बिल नंबर 4 जे जाते है उनका मालिक बनाकर प्रधान से के रोके पड़ी और चाय बगान कर जमीन हमारे के से लेकिन हमारे जमीन के अपन अधिकार पावे कर लेकिन से के होके हमें के सबमिट करके क्लेम फॉर्म भरे पड़ी हमें जो क्लेम फॉर्म है वो फॉर्म के सबमिट करे पड़ी जितना भी चाहे माल बाजार ब्लॉक हो चाहे मेटली ब्लॉक हो नगरकटा हो क्रांति ब्लॉक हो प्रत्येक बगान से क्लेम फॉर्म जमा करे पड़ी। और ये क्लेम फॉर्म कब काम लगी जब आज कहती नहीं कि मुझे 10 कट्टा है 20 कट्टा है किकरो खेत है किकरो बारी है जब मैं क्लेम फॉर्म करबू नहीं कल के दिन में उसका विचार जरूर होगी और जरूर हो तो हम जीतो भी हम कल की संविधान लैंड रिफॉर्म एक्ट में भी लिखा ले जेमन आदिवासी है जेमन आदिवासी है जमीन का पट्टा पाए का अधिकार है उमन के जमीन का राइट मिलने का अधिकार है वो भी लिखा ले लेकिन हम चाय बगान यार अपने आप के खाली लेबर सोचिल अपने आप के मजदूर सोचिल अपने आप के श्रमिक सोचिल लेकिन आदिवासी नहीं सोचिला और जे दिन सब बगान यार अगर अपने आप के आदिवासी के सोच के अगर काम करवाए आदिवासी है कि क्या डिमांड करवाए तो सरकार के देवे के लिए बाध्य हो पड़ी सरकार के। और वही चीज हमें करे चाहती कि हर कोई की अपन अपन खेत के अपन अपन बारी के अपन अपन घर बिटा के अप्लाई करे पड़ी और फॉर्म सबमिट करे पड़ी और कैसे करे पड़ी सके मदद हम नहीं करो वो कैसे करे पड़ी सके हम सिखा कैसे भारे पड़ी सके हम सिखा लेकिन रौरे मन करके हम सब कोई के अपन अपन घर बिटा के नाप के बिलारो में सबमिट करे चाहे जेकर भी जो ब्लॉक कर ब्लॉक में जो भी बिलारो ऑफिस है सब बिलारो ऑफिस में हमें सबमिट करे पड़ी। रौरे मन रेडी है तो जमा देख ले आवेदन करे पड़ी कल के खाली मांगा से नहीं हुई अपन हाथ के लेके डिमांड भी करे पड़ी और देवे भी पड़ी आवेदन तो करे पड़े गेट मीटिंग करे पड़ेगा से मेरा आई लेबर प्लांटेशन एक्ट बोल के आई जम के पीएफ मिलते गैजेट मिलते बहुत सारा चीज मिले लगे लेकिन अगर मालिक का अगर अपन जमीन हो जाए से मेरा चाय बगान हटाए के अगर उठो बिल्डिंग बनाए रिसोर्ट बनाते टूरिज्म बनाते या फिर बड़े बड़े रियल इस्टेट बनाते लॉजिकल पार्क बनाते या बहुत सारा इंडस्ट्रियल अगर हब बनाते हो से मेरा हमने के आदमी चाय बगान में काम करके हुआ है क्या हुआ काम करके खा सक पाए उतना पढ़ा लिखा भी ना कहें आज कर हम चौथा पीढ़ी में आई आज चौथा पीढ़ी या पांचवा पीढ़ी में हम ही नहीं आज भी हमारे घर आदमी ने इतना शिक्षित ना कहें तो इस बदलते जमाने के साथ में हमारे आदिवासी में चले सको नहीं सको से मेरा कहा हुई से कर लेके चिंता करे कर बात है और वही सारे चीज के लेके आज हमें जमीन का अधिकार हमें क्या लगी कल की जमीन अगर हमारे होते तो हम कहीं भी कमा के खा सके लेकिन अगर जमीन ही नहीं रही जमीन सुधा अगर दही दवा जाते हैं मालिक के रैयत बना देते हैं कहीं हम के लाइफ मार के भी तो निकल सकेला आज क्यों अगर ढाबा भी बनाए ना तो एन ओ सी नीर ले रहा है काम जाम के अंदर काम से बैठा प्रकार से मिलो थे या मिली सारा चीज हमें सुनो थी लेकिन एक प्रैक्टिकली जिस हिसाब से काम होते उस हिसाब से काम तो नहीं होकर लेके जेकर लेके ये सारे चीज के लेके जानकारी होकर पड़ी है और हमारे घर आदमी मन के अवेयरनेस भी होकर पड़ी कल की एक दुआरे सरकार भी होते या लगभग से 10 तारीख तक रहे लेकिन दुआरे सरकार में भी आईन एक तो पार्ट जुड़ा लेकिन जहाँ पे हमें आवेदन कर सके लेकिन हम इन हुआ तक भी जमा कर नहीं पा रहे लगे और साथ ही आने वाले दिन में 14 तारीख के
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जन्म जयंती है और ये जन्म जयंती के भी हम के पालन करे चाहिए है एकर एकर में कोई हम लेकर जितना भी आदिवासी या दलित हैं जो भी एस सी ओबीसी जे मना है मौके लागे सबको के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्म जयंती है उनके पालन करे पड़ी काले कि जे आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अगर नहीं रहता तो शायद हम इनकर पहचान है जे आदिवासी में जे जे भी सुख सुविधा है या जितना भी आरक्षण है या जे कोनो भी फैसिलिटीज हम के मिले लगे शायद वो नहीं मिलता और आज हम वह परिस्थिति में रहती जे लेकर पहले हम लेकर रही तो से लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म जयंती है उनके हम के पालन करे पड़ी और सबको के इकर में न्योता देवे पड़ी और सबको के इकर में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके पड़ी काले कि आज आदिवासी में अगर भगवान अगर क्यों कहा तो हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी हम करेंगे हम इनके लिए संविधान में बहुत से प्रावधान दिला जेकर चलते आज हम आदिवासी मैंने जे सुख सुविधा पावे लगाती आज हम आदिवासी बोल के चिन्हत है तो से लेकिन 14 तारीख का जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम के लेके भी हम चर्चा करेंगे और